हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको डिफेंस शॉट कैसे लेना है इसके बारे में बताऊंगा। जिस तरीके से मैच में स्मैश मार के आप पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से डिफेंस को यूज़ करके आप अपने गेम को सेव कर सकते हैं। सो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस करने के लिए आपके रैकेट का होल्ड, बॉडी मूवमेंट या रैकेट का मूवमेंट कैसा होना चाहिए और डिफेंस को आप नेट पे कीप या फिर बैक गैलरी पे कैसे पुश कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट। डिफेंस के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्रिपिंग का ध्यान रखना होता है। इसमें आपको अपने रैकेट को पेन होल्डिंग ग्रिप में होल्ड करना होता है, जिसमें आपका थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। अब जब आप अपने नॉन रैकेट लेग की और शटल को डिफेंस करते हैं, तब आपका थंब बैकवर्ड हो जाता है, जिससे आपका बैकहैंड ग्रिप रेडी होता है। और अगर शटल आपके रैकेट लेग के और आता है, तो आप डिफेंस फोरहैंड ग्रिप से करते हैं, जिसमें आपका इंडेक्स फिंगर रैकेट के ठीक पीछे बनता है। और जैसे ही आप सेंटर आते हैं, फिर से आपका रैकेट पेन होल्डिंग ग्रिप में आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टांस के। तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट आपके सेंटर कोर्ट से थोड़ा सा पीछे खड़े होना होता है, जिसमें आपका रैकेट लेग फॉरवर्ड और नॉन रैकेट लेग बैकवर्ड होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने लेग के बीच में अपने शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा ही गैप रख के खड़े होना होता है, और इसमें आपका बॉडी बेंड रहता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने रैकेट को अपने रैकेट लेग के सामने की ओर रखना है। अब बात करते हैं रैकेट के स्विंग की। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपको बैकवर्ड स्विंग कैसे करना है। इसमें आपको अपने रैकेट को रिस्ट के थ्रू अपने बॉडी की ओर बैकवर्ड स्विंग करना है। ध्यान रहे, यहाँ पे जो प्लेयर मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि वो अपने रैकेट को अपने एल्बो के साथ बेंड करते हैं बॉडी की ओर बैकवर्ड स्विंग करते हैं, जिस वजह से वो एक प्रॉपर डिफेंस नहीं उठा पाते। अब बात करते हैं फॉरवर्ड स्विंग की। तो सबसे पहले आपको शटल को अपने बॉडी के फॉरवर्ड साइड बनाना है, फिर आपको अपने रैकेट को अपने रिस्ट के थ्रू फॉरवर्ड स्विंग करते हुए शटल के डायरेक्शन की ओर आना है। जब आप शटल को रैकेट से हिट करें, तब आपके बॉडी का वेट आपके दोनों लेग के टो पे बनेगा। जब आप शटल को हिट करेंगे, तो आप शटल पे एक पंच के थ्रू उस शटल को आप बैक गैलरी तक डिफेंस करेंगे या नेट पे कीप करेंगे। यहाँ बैक गैलरी पे डिफेंस के लिए प्लेयर जो मिस्टेक करते हैं, वो इस टाइप का होता है कि वो जब डिफेंस कर रहे होते हैं, तो वो अपने रैकेट को अपने ही साइड से पूरा लिफ्ट कर देते हैं, जिस वजह से ये शटल बिल्कुल मिड गैलरी पे हाइट के साथ होता है और अपोनेंट उसको फिर से स्मैश हिट करता है। बैक गैलरी पे लिफ्ट के लिए आपको अपने एल्बो को हल्का सा आगे की ओर बनाना है और अपने रिस्ट से इस शटल को हल्का सा आगे की ओर से स्विंग करना है। आपको अपने रैकेट को बॉडी के क्लोज ला करके लिफ्ट नहीं करना, उसको हल्का सा दूर रख के फिर लिफ्ट करना है, जिससे कि आपकी ये शटल बैक गैलरी तक जाएगी और अपोनेंट को इस शटल को फिर से हिट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब जानते हैं प्लेयर नेट पे डिफेंस में क्या मिस्टेक करते हैं। प्लेयर जब नेट पे डिफेंस करते हैं, तो वो शटल को इतने हाइट पे उठाते हैं कि अपोनेंट वापस इसको चढ़ के स्मैश हिट कर दे, या वो इतने दूर तक उसको डिफेंस करते हैं कि वो मिड गैलरी तक जाता है, तो अपोनेंट उसको फिर से अटैकिंग शॉट खेल के उनको फंसा देते हैं। तो जब आप नेट पे डिफेंस करें, तो आपको अपने रैकेट को एकदम सॉफ्ट पंच के साथ नेट पे कीप करना है। सेम ही कंडीशन है, इसमें आपको अपने एल्बो को फिर से थोड़ा सा आगे की ओर रखना है, अपने रिस्ट से इस शटल को आगे की ओर कीप करना है। ज़्यादा पंच ना यूज़ करें, वरना आपकी शटल फिर से मिड गैलरी या फिर हाइट पे चली जाएगी। अब कुछ प्लेयरों को ये प्रॉब्लम भी होगी कि जब बॉडी पे उनके शटल आए, तो वो उसको कैसे डिफेंस करें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप फोरहैंड ग्रिप के थ्रू इस शटल को डिफेंस नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको अपने रैकेट को बैकहैंड ग्रिप पे बना के अपने बॉडी के क्लोज के जितने भी शटल है, वो आप अपने बैकहैंड ग्रिप से ही पकड़ें। ध्यान रहे कि शटल आपके बॉडी के ज़्यादा क्लोज ना आने दे, अदरवाइज़ आप अपने रैकेट को ना तो बैकवर्ड स्विंग कर पाएंगे और ना तो फॉरवर्ड स्विंग। तो आप शटल को अपने बॉडी से फॉरवर्ड साइड बनाएं और फिर बैकहैंड ग्रिप पे ही इस शटल को नेट पे ही कीप कर दें या पीछे की ओर पुश कर दें। तो आई होप गाइस, इस वीडियो से आपको इतना तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि डिफेंस को उठाने का एक प्रॉपर वे क्या है, बॉडी के क्लोज शटल आने पर आप उसको कैसे डिफेंस कर सकते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।